नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे तीन राज्यों में जीत पर सीतापुर के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी, और बात होगी पुराना सीतापुर के पक्का बाग में सड़क पर हिलोरे ले रहा नाले का गंदा पानी। फिर बात करेंगे आवारा गौवंश से निजात के लिए केंद्रीय मंत्री से लगाई गई गुहार अब तक है बेकार। और खबरनामे के अंत में जानेंगे अद्यतन यातायात नियम तोड़ने वालों पर योगी सरकार सख्त, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के हर गांव में पहलवानों के दांव पेच देखने को उमड़ी खेल प्रेमियों की भीड़। सीतापुर के खैराबाद में पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने मनाया भाजपा की जीत का जश्न। सीतापुर जिला विज्ञान क्लब ने मेधावियों को कराया भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान का भ्रमण। सीतापुर के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में भव्य वार्षिक उत्सव का हुआ आयोजन। लखीमपुर के साहित्यकार राममोहन गुप्ता को मिला एक और सम्मान। लखीमपुर के सिंगाही में केंद्रीय मंत्री का बाण लगते ही धू धू कर जला दशानन। तीन राज्यों में भाजपा की बड़ी जीत पर क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का दौर जारी। यूपी एसटीएफ ने फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट बनाने वाले गैंग का किया भांडाफोड़। खबरें जनपद सीतापुर से। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर सीतापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। इस मौके पर नगर अध्यक्ष आकाश बजरंगी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजाकर झूमते नजर आए। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए जनमानस में मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर महामंत्री देवेंद्र मिश्रा, भोला अवधेश कटियार, दीपक शुक्ला, शशांक शेखर सिंह, कुसुम सिंह, जितेंद्र रस्त्रोगी, नागेंद्र वाल्मीकि, आलोक शुक्ला, संजय श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, उदित वाजपेयी, शियांशु मिश्रा, देवेश गुप्ता, पल्लव गुप्ता और रवि रस्तोगी आदि मौजूद रहे। खैराबाद ब्लॉक के बेसिक स्कूलों की ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन सीतापुर के आरएमपी डिग्री कॉलेज मैदान पर किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में आरएमपी प्राचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव ने इसका उद्घाटन किया। खैराबाद बीईओ आराधना अवस्थी, बेहटा बीईओ यशवंत सिंह और हरगांव बीईओ रमाकांत मौर्य ने सभी विजयी प्रतिभागियों को पदक और प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम संयोजक बृजेंद्र प्रताप सिंह और वंदना द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। प्रतियोगिता व्यायाम शिक्षक विजय शंकर सिंह के दिशा निर्देशन में आयोजित हुआ, जिसे सफल बनाने में सभी खेल अनुदेशकों ने सहयोग किया। इस दौरान संचालक की भूमिका अनुपम मिश्रा और योगेंद्र पांडे ने निभाई, जबकि अपूर्व दीक्षित, मनीष पांडे, नरेश मिश्रा, जहीर आलम, विवेक वाजपेयी, आलोक सिंह, काजिम हुसैन, प्रदीप वर्मा और सुशील गुप्ता सहयोगी के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर कबड्डी के जूनियर बालक वर्ग में विशुन नगर विद्यालय को प्रथम और तरीनपुर विद्यालय को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। कबड्डी के बालिका वर्ग में बरसोहिया विद्यालय को प्रथम और जमैयतपुर विद्यालय को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। खो खो प्रतियोगिता में नरही विद्यालय की टीम प्रथम स्थान पर रही। सीतापुर बार एसोसिएशन द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव की जयंती मनाई गई। इस मौके पर अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता और महासचिव बुद्ध प्रकाश मिश्रा सहित राम मोहन पांडे, शैलेंद्र कुमार, सपना त्रिपाठी, संध्या दीक्षित, रोहित मेहरोत्रा, आदेश वर्मा, हिमांशु विक्रम सिंह, आदित्य वर्मा, इमृतांश मौर्य, धीरेन्द्र यादव, सर्वेश पांडे, सीमा खान, विनोद त्रिपाठी, नीरज पांडे, शिव कुमार भारती, पंकज तिवारी, मोहम्मद शमीम खान, विनोद कुमार, गिरीश पांडे और अमित वर्मा आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। महासचिव बुद्धि प्रकाश मिश्रा ने बताया कि इस अवसर पर अवकाश होने के कारण 4 दिसंबर को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सीतापुर भारत विकास परिषद द्वारा विश्व मृदा दिवस के अवसर पर 5 दिसंबर को अपने अंगीकृत ग्राम कटिया ब्लॉक बिस्वा में जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा। यह कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से आयोजित होगा। परिषद सचिव वीरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने बनाए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण करने के साथ ग्रामीणों को भी पौधों का वितरण किया जाएगा और शीतकाल देखते हुए जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए जाएंगे। प्रथम क्रिएटिविटी क्लब के अंतर्गत आयोजित हुए चैंपियन टीचर की कार्यशाला सिधौली प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन सिधौली में किया गया है। इसमें सिधौली, कसमंडा, मछरटा और मिसिक क्षेत्र के स्कूलों से कुल 50 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया है। कार्यक्रम समन्वयक भास्कर तिवारी ने बताया कि प्रथम क्रिएटिविटी
कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 5 से 8 तक के बच्चों की पर्यावरण, म्यूजिक, स्पोर्ट, विज्ञान जैसे कार्यक्रमों में उनकी प्रतिभा निखारने का काम किया जाएगा। मुख्य वक्ता के रूप में आरडी वर्मा ने शिक्षा क्रिएटिविटी पर जोर दिया है। मुख्य प्रशिक्षक के रूप में कमलेश त्रिपाठी ने क्रिएटिविटी के अंतर्गत प्रोजेक्ट सिलेक्शन व सबमिशन की प्रक्रिया पर पीपीटी के माध्यम से प्रकाश डाला है। प्रवक्ता चंद्रशेखर ने नई शिक्षा नीति में समाहित बच्चों के रचनात्मक कौशल को बढ़ाने पर जोर दिया है। इस कार्यशाला में आशीष, अमन कुमार, अनिल कुमार, शिवम पांडे, राजकुमार, कलीम खान और धीरज कुमार आदि मौजूद रहेंगे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की सहकारी समिति भिठौली व माँ दुर्गा देवी शक्तिपीठ धाम निवादा पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड और जिला सहकारी बैंक की कमलापुर शाखा द्वारा किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन में जादूगर टी के सरकार ने अपने जादूगरी का जौहर दिखाकर बच्चों का मनोरंजन किया। इस मौके पर जिला सहकारी बैंक कमलापुर के शाखा प्रबंधक डी के श्रीवास्तव, कैशियर शुभम दत्त दीक्षित, सचिव नरेश वाजपेयी, महंत विजय पुरी महाराज, किसान महेश प्रकाश सिंह, बैजनाथ सिंह, दिलीप तिवारी, राम साहेब मुन्नालाल और गुड्डू रावत आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसवंडा की ग्राम पंचायत नवागांव निवासी अरुण सिंह मुन्ना ने बाबा नीम करोरी जी के 123वें जन्मोत्सव के अवसर पर बाबा लाल दास आश्रम नवागांव में श्री रामचरितमानस पाठ, हवन, पूजन, कन्या भोज व भंडारे का आयोजन किया। भंडारे में रावेंद्र सिंह, रंजीत सिंह, अंकित सिंह, अजय कुमार, अंकुर सिंह, राम नरेश वाजपेयी, ऋषि मिश्रा, सानू सिंह, सत्यप्रकाश सिंह के साथ तमाम भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। ब्लॉक कसवंडा की ग्राम पंचायत निवादा निवासी अनंत राम द्वारा आयोजित 5 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा का समापन हो गया है। समापन दिवस पर कथा व्यास पंडित मनीष कुमार मिश्रा ने राम केवट संवाद का वर्णन किया है। इस मौके पर वैजनाथ सिंह, दिलीप तिवारी, अजय कुमार मिश्रा, अखिलेश मिश्रा, रंजीत सिंह, असरफी लाल, अशोक, पिंकू, बबलू, गुड्डू, प्रकाश सिंह, जय नारायण और योगेंद्र पांडे आदि भक्तिगण मौजूद रहे। सीतापुर शहर में भले ही कितनी भी सफाई हो रही हो लेकिन पुराना सीतापुर कजियारा स्थित मोहल्ला पक्का बाग के निवासी गंदगी में रहने को मजबूर है। उन्होंने सभासद सुभान अंसारी पर आरोप लगाया है कि कई दिनों से मोहल्ले में नाली का कूड़ा बाहर निकाल दिया गया है लेकिन उसे उठाने कोई भी नहीं आया है। उनका आरोप है कि 3 से 4 दिन हो गए हैं पूरा सड़क पर ही कूड़ा लगा हुआ है जिससे बीमारी का भी खतरा है। मोहल्लेवासी फैजान सिद्दीकी, शाहिद परवेज, नौशाद नूरुल इस्लाम ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहल्ले में मुस्लिम जूनियर स्कूल के पास नाला बना है जो काफ़ी समय से चोक चल रहा है जिसके चलते मोहल्ले की गलियों में रोडों पर नाले का गंदा पानी बह रहा है। उसी रास्ते से निकलकर हम लोग आने जाने को मजबूर हैं। ब्लॉक कसवंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरौरा कला व ग्राम पंचायत कल्याणपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एडीओ कृषि रामवीर सारस्वत ने किया। कार्यक्रम में सीएससी कसवंडा की स्वास्थ्य टीम ने ग्रामीण का चिकित्सीय परीक्षण करके निःशुल्क दवाएं वितरित की और विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में एफको फर्टिलाइजर के कर्मचारियों ने गांव के किसानों के खेतों में ड्रोन विधि से नैनो यूरिया का स्प्रे करके दिखाया। इस मौके पर टीए कृषि विभाग मोहित तिवारी, अनुपम शुक्ला, ग्राम पंचायत अधिकारी अंशिका वर्मा, विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान सरौरा कला देश यादव और प्रधान कल्याणपुर संतोष कुमार भार्गव मौजूद रहे। आवारा गौवंश से निजात दिलाए जाने को लेकर ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत निवादा के ग्रामीणों द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र रद्दी की टोकरी में डाल दिया। यह प्रार्थना पत्र केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर द्वारा 7 नवंबर को ब्लॉक परिसर में आयोजित जन चौपाल में खुद केंद्रीय मंत्री को दिया गया था लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा लगता है कि वह पत्र रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है लिहाजा आवारा गौवंश आज भी किसानों और राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। सिदौली के जुगराजपुर स्थित राम जानकी मंदिर के स्थापना दिवस पर आयोजित हो रही राम कथा का समापन हो गया है। इस कथा के मौके पर ब्यास ओम जी शोभन सरकार कानपुर के द्वारा प्रभु श्री राम जी की रास तिलक का वर्णन किया गया जिसे सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए जिसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। श्री राम जानकी मंदिर ट्रस्ट के सचिव प्रभात शुक्ला द्वारा बताया गया कि प्रतिवर्ष ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा। सीतापुर के अटेरिया में पक्का तालाब स्थित अवध कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि शिक्षक रामस्वरूप वर्मा और अभिषेक शुक्ला ने सम्मानित किया। इस दौरान धनलक्ष्मी सौम्या सिंह, शक्ति शुक्ला, आसमीन निर्मल पाल, सनोज कुमार, ज्ञानेंद्र प्रजापति, प्रिया सिंह, प्रियंका चौधरी, ऋतु यादव और शिल्पी आदि छात्र छात्राएं सम्मानित हुए। इंस्टीट्यूट के प्रबंधक मनोज पांडे ने अतिथियों का सम्मानित किया। इस दौरान अध्यापक ज्योति प्रजापति और शहीद जीनत
कई अभिभावक मौजूद रहे। अटरिया में सार्वजनिक स्वयं सेवा संस्थान के डायरेक्टर व सपा नेता अंशु वर्मा ने ठंड को देखते हुए गरीब असहाय बुजुर्ग महिला पुरुषों को ऊनी वस्त्र और कंबल वितरित किए। इस दौरान उन्होंने लोगों से किसी प्रकार का नशा न करने का आग्रह भी किया। अटरिया इलाके में ग्राम गनेरा में आयोजित विश्व मृदा दिवस का आयोजन FMC के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम गनेरा छावन रामपुर पहाड़पुर के किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में विशेष रूप से डॉक्टर अमृतलाल मीणा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। डॉक्टर मीणा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में मृदा वैज्ञानिक पद पर कार्यरत हैं। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र से मृदा वैज्ञानिक उमेश कुमार सिंह और पादप सुरक्षा से विनोद कुमार सिंह उपस्थित रहे। किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच मृदा संरक्षण और मृदा उर्वरता को बनाए रखने के विषय में पारंपरिक तरीकों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में FMC के ओर से जॉबी शेखर, परमजीत सलूजा, प्रशांत सिंह, गगन अरोड़ा और निर्मल तिवारी मौजूद रहे। हरगांव के कार्तिक पूर्णिमा मेले में हो रहे रासलीला में मथुरा वृंदावन के कलाकारों ने भगवान नरसिंह के प्रसंग का मंचन किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच कलाकारों का प्रदर्शन देखकर लोग वाह वाह कर उठे। इस मौके पर चेयरमैन गफ्फार खान, आदि शासी अधिकारी शीश मिश्रा, कप्तान सिंह, पवन सिंह और रतन आदि मौजूद रहे। कमलापुर के RBSB सिंह इंटर कॉलेज में विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्या ज्ञान से खुशबू चौबे और मनीषा पुंडीर और पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे। दो पालियों में हो रही इस परीक्षा के लिए कुल 899 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 608 परीक्षार्थियों ने प्रवेश परीक्षा दी जबकि शेष 291 परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे। परीक्षा प्रभारी राजेश द्विवेदी और प्रधानाचार्य राजेश श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन में इस परीक्षा का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय साहित्य सृजन संस्थान बिस्वा द्वारा स्थापित सृजन पुस्तकालय का लोकार्पण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के अध्यक्ष शिक्षाविद रमेश वाजपेयी विरल ने की। संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष संदीप मिश्रा ने संस्था की गतिविधियों और रचनात्मक योजनाओं की आख्या प्रस्तुत की। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सुधाकर वर्मा, राकेश शुक्ला ने स्वागत उद्बोधन दिया। मुख्य अतिथि के रूप में MLC पवन सिंह चौहान तथा मुख्य वक्ता के रूप में RSS सीतापुर के विभाग प्रचारक अभिषेक और विशिष्ट अतिथि के रूप में बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा और सरकारी जूट एवं कृषि विज्ञान संघ विकास संघ के अध्यक्ष चंद्र कुमार मिश्रा ने बापू कार्यक्रम को संबोधित किया। अध्यक्षीय संबोधन में रमेश वाजपेयी विरल ने कहा कि पुस्तकालय बौद्धिक विकास एक समृद्ध मंच है। संस्थान द्वारा डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव प्रेम, डॉक्टर विद्यासागर मिश्रा, कमलेश पांडे, मुन्नालाल गुप्ता, रामपाल त्रिपाठी, रविन्द्र नाथ मिश्रा आदि को पुस्तकालय के प्रथम संरक्षक सदस्य बनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिवम शुक्ला ने किया। कार्यक्रम प्रभारी मनोज गुप्ता और ब्रजभूषण पांडे ने संयुक्त रूप से सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। हरगांव अखिल भारतीय विराट दंगल का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष गफ्फार खान ने किया। पहली कुश्ती कलवा पहलवान हरियाणा और रिजवान पहलवान जम्मू कश्मीर के मध्य हुई, जिसे रिजवान ने कलवा को पराजित कर दिया। दूसरी कुश्ती पंजाब के विक्की पहलवान और कानपुर के रवि पहलवान के साथ हुई, जिसमें दोनों बराबरी पर रहे। तीसरी कुश्ती राजस्थान के मुन्ना टाइगर पहलवान और जम्मू कश्मीर के रिजवान पहलवान के साथ हुई, जिसमें दोनों बराबरी पर रहे। उद्घोषक की भूमिका मुकेश पहलवान संडीला ने निभाई जबकि रेफरी के रूप में हरगांव के सलीम पहलवान मौजूद रहे। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी शीश मिश्रा, सभासद मंसूर सोएब और प्रताप सहित कई कुश्ती प्रेमी मौजूद रहे। सीतापुर रविवार को 4 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित हुए। इनमें 3 राज्यों में भाजपा की जीत को लेकर खैराबाद नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाया। इस दौरान खूब आतिशबाजी हुई और एक दूसरे का मुंह मीठा करके शुभकामनाएं दी गई। बता दें, मतगणना के समाचार को देखने के लिए खैराबाद नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने शांति नगर में विशेष इंतजाम कर रखे थे। इसी बीच समाचारों में जैसे ही बताया गया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा बंपर वोटों से जीती है और इन तीनों प्रदेशों में भाजपा की सरकार बन रही है, वहां मौजूद कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। ढोल नगाड़ों की थाप पर जय श्री राम के उद्घोष गूंजने लगे। इस मौके पर अभिषेक गुप्ता बबलू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत के ही नहीं विश्व के नेता हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला महामंत्री अनूप विश्वकर्मा, भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अंशु मिश्रा, सभासद आलोक वाजपेयी, सभासद उमेश जायसवाल, सभासद शकील, सभासद सुनील मौर्य, सभासद नसीम, सभासद अप्पू, सभासद अलाउद्दीन, सभासद रफी, सभासद चुन्ना, सभासद दिलीप जोशी, सभासद प्रभु, सभासद मुर्शलीन, सभासद जाबेद,
सभासद हबीब, एडवोकेट दीपक मौर्य और विवेक विश्वकर्मा मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। लहरपुर के तहसील बार सभागार में रविवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र पांडे की अध्यक्षता में अधिवक्ता दिवस मनाया गया। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण करते हुए उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा की। इस दौरान बालकृष्ण वर्मा, प्रमोद बाजपेयी, अपूर्व त्रिवेदी, कृपा शंकर पांडे, जरार रहमानी, रोहित पांडे, प्रेम शंकर शुक्ला, रोहित त्रिपाठी और सर्वेश तिवारी आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। सीतापुर के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर दिव्यांगजन सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने सभी दिव्यांगजनों को विश्व दिव्यांग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उपकरणों को वितरित किया। इस अवसर पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजकुमार ने दिवस के थीम के बारे में दिव्यांगजनों को बताते हुए सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजनों की सहभागिता को आवश्यक बताया। कार्यक्रम में दिव्यांग दिनेश कुमार ने कई मनमोहक कविताएं भी सुनाई। इस मौके पर सक्षम संस्था के सदस्य सुभाष अग्निहोत्री, वरिष्ठ सहायक कमलेश कुमार और गजेंद्र सिंह मौजूद रहे। सीतापुर जिला विज्ञान क्लब के तत्वाधान में विभिन्न विद्यालयों के मेधावी छात्रों ने लखनऊ स्थित भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान का भ्रमण किया। इस भ्रमण के लिए DIOS राजेंद्र सिंह ने सीतापुर GIC के प्रधानाचार्य अनिल कुमार को नोडल प्रभारी और जिला विज्ञान क्लब समन्वयक डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित को कार्यक्रम समन्वयक नामित किया था। इस दौरान संस्थान के विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने व्याख्यानों और वीडियो के माध्यम से भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। इस मौके पर अंकित कुमार, चंचल तिवारी, मुकुल वाजपेयी, रीनी सिंह और फैजान आदि ने दल का मार्गदर्शन किया। इस दल में सीतापुर GIC, GGIC, HKP, आर्य कन्या इंटर कॉलेज, अमरनाथ इंटर कॉलेज, सरस्वती विद्या मंदिर तरीनपुर, आनंदी देवी विद्या मंदिर नेपालापुर, बिशंबर नारायण इंटर कॉलेज, श्री गांधी इंटर कॉलेज सिधौली और श्री रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल के 100 छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों पंकज कुमार, पुतान तिवारी, रामपाल वर्मा, नेहा बक्सी, करिश्मा, नीतिका सिंह, चंद्रकांत त्रिवेदी, गौरव सिंह, भानु प्रताप और हर्षिता अवस्थी के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित ने बताया कि इस भ्रमण पर आधारित विज्ञान प्रदर्शनी के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत समूचे सीतापुर जिले में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान जिले के सभी तहसीलों में कुल 4023 फॉर्म 6 प्राप्त किए गए। इस मौके पर 1580 महिलाएं और 2 दिव्यांगों ने भी फॉर्म 6 जमा किए। फॉर्म 7 के अंतर्गत मृतक के 2267, सिफ्टेड के 416 और डुप्लीकेट के 492 फॉर्म प्राप्त किए गए, जबकि 1537 फॉर्म 8 प्राप्त किए गए। सीतापुर के हाईवे स्थित GD गोयनका पब्लिक स्कूल में रविवार शाम से लेकर देर रात तक मनमोहक छटा देखने को मिली। मौका था विद्यालय के दूसरे वार्षिक उत्सव आशाएं 2 का, जिसका थीम नर्यास तो पूज्यते रखी गई। वार्षिक उत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि SP MVO सीतापुर आलोक श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज नारायण सहगल, डायरेक्टर सूर्यांश सहगल और समाजसेवी मोनू सहगल ने किया। वार्षिक उत्सव में छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रधानाचार्य त्रिशा शाह ने विद्यालय के 2 साल के सफर को बताया। इस दौरान सहगल सिटी मॉन्टेसरी जूनियर हाई स्कूल की पूर्व प्रधानाचार्य स्वर्गीय ऋतु सहगल को भी याद किया गया। इस अवसर पर आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंगौर, गौतम सहगल, हर्ष सहगल, नगर पालिका सीतापुर की चेयरमैन नेहा अवस्थी, ब्लॉक प्रमुख गुंदलामो नमिता अवस्थी, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी, नमिंद्र अवस्थी, डॉक्टर तरुण सहगल, रथि सहगल और आयुष सहगल मौजूद रहे। सीतापुर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर समेकित शिक्षा के तहत दिव्यांग छात्र छात्राओं की खेल प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में BSA अखिलेश सिंह ने किया। इस दौरान कन्हैयालाल, अर्शद करनाल, आदर्श गंगाराम, आमिर, निधि, काजल, बिट्टा आदि ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में सराहनीय प्रदर्शन किया। अंत में समेकित शिक्षा के जिला समन्वयक प्रमोद कुमार गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के सफल संचालन में जिला खेल शिक्षक राज शर्मा और उनकी टीम का विशेष योगदान रहा। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। नीलम पब्लिकेशन मुंबई द्वारा काव्य संकलन हिंदी से हम में प्रदत्त सहयोग के लिए लखीमपुर नगर के साहित्यकार राम मोहन गुप्ता को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
काव्य संग्रह के मुख्य संपादक दिनेश आर वर्मा ने प्रशस्ति पत्र में श्री गुप्त के साहित्य साधना में निर्बाध अग्रसर होने के लिए आभार व्यक्त करते हुए शुभेच्छाएं दी। अमर और रामजी नाम से साहित्य सृजन करने वाले श्री गुप्त इससे पहले भी कई संयुक्त काव्य संकलनों में प्रकाशित और मंचों द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। हाल ही में उनका एकल काव्य संकलन स्वप्न हुए साकार को लोकार्पण केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्र टेनी, सदर विधायक योगेश वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, प्रसिद्ध गीतकार विष्णु सक्सेना, रामेंद्र मोहन त्रिपाठी, शंभु शिखर, सर्वेश आस्थाना आदि द्वारा किया गया। श्री गुप्त को यह सम्मान मिलने पर विपुल सेठ, महावीर प्रसाद, रमन चंद्र श्रेष्ठ, कवि श्याम प्रताप सिंह, प्रमोद वर्मा, सुनील गुप्ता, अजय गुप्ता, अरविंद कुमार गुप्ता, एडवोकेट प्रेम गुप्ता, राखी गुप्ता, पारुल गुप्ता, प्रदीप मिश्रा, गौरव गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, अप्पू, डॉक्टर आशुतोष कुमार गुप्ता, अश्वनी कुमार, श्रीनिवास पांडे, आलोक सेठ, आलोक अग्रवाल, राखी जैन, अनूप श्रीवास्तव, ज्ञानेंद्र सक्सेना, श्रवण शर्मा, डॉक्टर नित्य मेहरोत्रा, एच एस पहवा, अनिल अग्रवाल, ज्योति प्रकाश अग्रवाल, राजकुमार सक्सेना, शरद गुप्ता, प्रदीप मिश्रा आदि ने बधाई दी। लखीमपुर के सिंगाही कस्बे में सोमवार 4 दिसंबर से भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू होगा। इसके बारे में जानकारी देते हुए टूर्नामेंट के आयोजक व चेयरमैन मोहम्मद कयूम ने बताया कि टीमों के ठहरने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डीएफए कानपुर और टीएफसी धनबाद की टीमें आज ही यहां पहुंच गई हैं। दोनों के बीच कल के मैच का शुभारंभ होगा। उन्होंने बताया कि और भी टीमें यहां आने के लिए चल चुकी है, जो कल रवाना होकर शाम तक यहां पहुंच जाएंगी। टूर्नामेंट का उद्घाटन जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष विनीत मनार, लखीमपुर नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव और पूर्व सांसद जफर अली नकवी के द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली भारी सफलता की खुशी लखीमपुर के निघासन कस्बे में भी नजर आई। इस मौके पर नगर पंचायत चेयरमैन बद्री प्रसाद मौर्य और भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री अवध क्षेत्र राजकिशोर मौर्य सहित कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। लखीमपुर एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में चल रही कवच योजना को लेकर गौरीफंटा थाना क्षेत्र के कीरतपुर में ग्राम सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित ग्राम सुरक्षा समिति के अध्यक्ष व सदस्यों तथा थारू जनजाति के गणमान्य नागरिकों से विभिन्न पहलुओं पर वार्ता की गई तथा उन्हें उच्च अधिकारियों एवं शासन के आदेशों निर्देशों से अवगत कराते हुए विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। लखीमपुर के सिंगाही कस्बे में मेला ग्राउंड पर रावण के पुतले का दहन किया गया। इससे पहले श्री रामलीला कमेटी की ओर से मेला मैदान पर चल रही रामलीला में रावण वध लीला का मंचन हुआ। मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने अग्निबाण छोड़कर रावण के पुतले का दहन किया। पुतले में आग लगते ही श्री राम के जयकारे गूंज उठे, वहीं सतरंगी आतिशबाजी देखने लायक रही। इस दौरान कनकपाल सिंह, अमनदीप सिंह, विकास मिश्रा, अरविंद सिंह, मेला महामंत्री परवीन शाह, त्रिलोकीनाथ देवड़िया, प्रदीप पुरवार, राहुल गुप्ता, जोगिंदर शाह के निपराज शाह, अनुराग शुक्ला समेत पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पखवाड़ा के तहत महिला कल्याण विभाग के तत्वाधान में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की बालिकाओं ने वन स्टाफ सेंटर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्हें महिला परक योजनाओं से संबंधित पंपलेट एवं विचार सामग्री उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर वार्ड अनुसा बुधवार के नेतृत्व में बालिकाओं का दल वन स्टाफ केंद्र पहुंचा, जहां केंद्र प्रशासिका रश्मि चतुर्वेदी और महिला कल्याण अधिकारी आर मित्रा बिष्ट ने उनका स्वागत किया। केंद्र प्रशासिका रश्मि चतुर्वेदी और काउंसलर विजेता गुप्ता, महिला कल्याण अधिकारी आर मित्रा बिष्ट और महिला शक्ति केंद्र की जिला समन्वयक निक्की गुप्ता ने महिला परक योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान कस्तूरबा विद्यालय से विनीत वर्मा, तबस्सुम व वन स्टाफ सेंटर से डॉली पाल, खुशबू अवस्थी, रश्मि वर्मा, पुष्पा आदि मौजूद रहे। लखीमपुर में नोडल अधिकारी वीडियो जयेश कुमार सिंह की अगुवाई में विकसित भारत संकल्प यात्रा तहसील व ब्लॉक निघासन के ग्राम हरद्वाही पहुंची, जहां ग्रामवासियों ने यात्रा का स्वागत किया। आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने एएसपी नेपाल सिंह, एसडीएम अश्वनी कुमार सिंह, सीओ राजेश कुमार, वीडियो जयेश कुमार सिंह, भाजपा नेता कनकपाल सिंह राणा और ग्राम प्रधान सर्वेश वर्मा के साथ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने केंद्र व राज्य की योजनाओं का बखान किया। अंत में एसडीएम अश्वनी कुमार सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता बताई। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को हित पत्र भी प्रदान किया, साथ ही चयनित लाभार्थियों का पंजीकरण भी किया गया।
देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव में मिजोरम को छोड़कर बाकी 4 राज्यों का जनादेश सामने आ चुका है। भाजपा न केवल अपना मध्य प्रदेश का किला बचाने में कामयाब रही बल्कि उसने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तख्ता पलट करते हुए कांग्रेस से सिंहासन छीन लिया है। कांग्रेस को तेलंगाना राज्य ही राहत देता नजर आ रहा है। यहां पर कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। चुनावी नतीजे पहले से ही लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल कहे जा रहे थे। विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन की ओर से भाजपा को घेरने के सभी दांव आजमाए गए लेकिन नतीजे बताते हैं कि आज की सियासत में मोदी मैजिक सब पर भारी है। सुबह मतगणना शुरू होते ही रुझानों पर नेताओं के ट्वीट या राय और विचार सामने आने लगे थे। आइए कुछ प्रमुख ट्वीट या बयानों से रूबरू कराते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा से अपनी सरकार गिराने के हिसाब बराबर करने में दिन रात एक कर देने वाली कांग्रेस को मामा यानी शिवराज सिंह चौहान और उनकी लाडली बहना ने दिन में तारे दिखा दिए। कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा ने यहां पर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। राजनीति के विश्लेषक कमलनाथ पर अति निर्भरता को कांग्रेस खेमे में मायूसी लाने की वजह बताया जा रहा है। वैसे कमलनाथ का एक पुराना बयान है जिसमें उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर कहा था, छोड़ो भाई अखिलेश, अखिलेश का वीडियो एक बार फिर से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को भी कांग्रेस की हार से जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत से भगवा खेमा बमबम है। जगह जगह भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं में जश्न और जोश का माहौल है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इन नतीजों को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी जीत बताया है। डिप्टी सीएम ने एक्स पर कहा है कि हमें गर्व है कि हमने सेमीफाइनल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि चुनावी राम भक्तों को जनता ने सबक सिखाया है। यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी एक्स पर लिखा है कि हर और कमल खिल रहा है, विपक्षियों को सूपड़ा साफ हो रहा है, एक अकेला मोदी सब पर भारी पड़ रहा है। 3 राज्यों में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। पीएम नरेंद्र मोदी इस जीत के महानायक बनकर उभरे हैं तो उनकी शान में कसीदे पढ़े जाने की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है कि इस जीत का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को देते हुए लिखा कि देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। अखिल भारतीय संत समिति की ओर से इसे लेकर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अखिल भारतीय संत समिति की महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार को लेकर आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने सनातन धर्म का अपमान टूल किट के माध्यम से कराया था। स्वामी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसी राजनीतिक दल ही नहीं जीत हुई बल्कि चर्च मिशनरियों के ऊपर हिंदू समाज और संत समाज की जीत हुई है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने न केवल अपनी सत्ता बचाई है बल्कि कांग्रेस को चारों खाने चित्त करते हुए वापसी की है। भाजपा नेताओं के मुताबिक मध्य प्रदेश में गेम पलटने के लिए एकदम सर्जिकल स्ट्राइक तरह से काम किया गया। नेताओं का कहना है कि वोटिंग के 4 हफ्ते पहले पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक की तरह से इतना जोर लगाया कि इससे सियासत का पाला ही पलट गया। इन नेताओं के मुताबिक एमपी में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली थी। रणनीति के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने कैंपेनिंग का मोर्चा संभाला और अमित शाह ने हमेशा की तरह ग्राउंड वर्कर की भूमिका का निर्वहन किया। मध्य प्रदेश में भाजपा की बड़ी जीत को मामा शिवराज को उनकी लाडली बहना का आशीर्वाद बताया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इमोशनल कार्ड की भी आज बड़ी चर्चा है। चुनावी सभाओं में अक्सर सुनाई देता था कि महिला सशक्तिकरण की आवाज में शिवराज हूँ और एक ऐसा भैया मिलेगा नहीं चला जाऊंगा तो याद आऊंगा कहा जा रहा है। शिवराज के इस इमोशनल कार्ड को सभी लोगों ने कमतर आंका लेकिन नतीजे गवाह है कि इसी इमोशनल कार्ड ने पासा पलट दिया। यूपी एसटीएफ ने फर्जीवाड़े के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए गैंग के 3 सदस्यों को दबोच लिया है। इनके नाम मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अरफान और सहीम अंसारी बताए गए हैं। 3 आरोपी लखनऊ निवासी हैं। इनसे कड़ी पूछताछ कर मामले के तह तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। एसटीएफ को काफी समय से फर्जी वेबसाइट और सॉफ्टवेयर से जन्म, मृत और कोविड वैक्सीन प्रमाण पत्र बनाए जाने की सूचना मिल रही थी। एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि इस गैंग की पूरी भारत में 436 फ्रेंचाइजी दी गई है। पक्की सूचना के आधार पर एसटीएफ ने इन 3 शातिरों को गाजियाबाद से गिरफ्तार करते हुए तमाम फर्जी जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में नौका दुर्घटनाएं रोकने के लिए नाव सुरक्षा और नाविक कल्याण नीति बनाई है। इसके जरिए प्रथम फेज में चिन्हित 872 गोताखोर और 5123 नाविकों को नाव सुरक्षा किट का वितरण किया गया है। बता दें योगी सरकार ने अधिक से अधिक आपदा पीड़ितों को सहायता राशि का लाभ देने के लिए कई तरह की दुर्घटनाओं को राज्य आपदा की सूची में शामिल किया है।
इसमें सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना, जंगली जानवरों का हमला, सांड और नीलगाय के आघात से होने वाली मृत्यु के साथ डूबना और नाव दुर्घटना को भी रखा गया है। यूपी में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सीएम ने कहा कि वाहन चलाने वाले हर व्यक्ति को यातायात नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि आदतन यातायात नियमों को तोड़ने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करते हुए उनके वाहन भी सीज किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि आगामी 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसे गृह परिवहन, पीडब्ल्यूडी, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा एक्सप्रेस और हाईवे अथॉरिटी के बेहतर समन्वय से सफल बनाया जाए। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।